महोबा जिले में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात वैभव को 15,000 की रिश्वत लेते लखनऊ की एंटी करप्शन टीम ने धर दबोचा है। शहर के एक होटल से एंटी करप्शन टीम लखनऊ के अधिकारियों ने ग्राम पंचायत अधिकारी से 2 माह के रुके वेतन को निकालने के एवज में 15,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। महोबा जिले के विकासखंड कबरई में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी आलोक द्विवेदी का 2 माह से वेतन रुका हुआ था, जिसको लेकर आलोक द्विवेदी ने कई बार कार्यालय पहुंच वेतन निकालने की बात कही थी। लखनऊ एंटी करप्शन टीम ने बताया कि जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में तैनात वरिष्ठ लिपिक द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी आलोक द्विवेदी से 2 माह का वेतन बहाल करने के एवज में 15,000 की रिश्वत मांगी गई, जिसकी शिकायत 1 सितंबर को एंटी करप्शन टीम लखनऊ को मिली थी। इसी आधार पर एंटी करप्शन टीम लगातार दोनों के संपर्क में थी। आज 100 फार्म होटल में वैभव मिश्रा ने आलोक द्विवेदी से 15,000 रिश्वत मांगी थी, जिसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ये शिकायतकर्ता एक आलोक कुमार द्विवेदी, ये जो है ये पंचायत अधिकारी हैं किरवई ब्लॉक में। इन्हीं का वेतन से संबंधित एक था कि मार्च 2022 और अक्टूबर 2021 का वेतन अवरुद्ध था, उसी के संबंध में जो है इनसे पैसे की डिमांड 15,000 रुपये की हो रही थी। उसी जिला राज्य पंचायत अधिकारी कार्यालय में लिपिक हैं, वरिष्ठ लिपिक वैभव मिश्रा, उनके द्वारा डिमांड की गई थी, जिसके आज जो है शिकायतकर्ता के शिकायत पर आज लखनऊ से टीम आई और उसने जो है गिरफ्तारी किया है।